हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 का यूपी बोर्ड का ये सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी का पेपर है जो 7 मार्च को हुआ। इसी में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। खंड आ में हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? हिटलर, बिस्मार्क, मुसोलिनी या फिर गैरिबाल्डी? सही आंसर है यहाँ पर बिस्मार्क। सेकंड क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? इसका मतलब हुआ, इसका जो सही आंसर है वह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। नेक्स्ट नंबर है इसमें, मोनोक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया? सही आंसर हमारा 1878 में लागू किया गया। नेक्स्ट है, ब्रिटेन में कार्य कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? सही आंसर इसमें उद्योगपति एवं शहरी लोगों का विरोध। सही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? सही आंसर है 1929। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? सही आंसर है यहाँ पर लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय है? सही आंसर है विदेशी कार्य। नेक्स्ट है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है? सही आंसर है राज्य विधानसभाओं में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? सही आंसर है समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि वह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। दोनों ही सही है, इसलिए सी ऑप्शन ए बी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्राथमिक है? सही आंसर है यहाँ पर जस्ता। नेक्स्ट है, सूचना का अधिनियम कब लागू किया गया? सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है इसमें 2000 हमारा 5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से परंपरागत संसाधन है? सही आंसर है इसमें हमारा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्रक को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही आंसर है दैनिक कृषि मजदूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर मोनोजाइड रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? सही आंसर है थोरियम। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है 2019 के अकॉर्डिंग? सही आंसर है श्रीलंका। भारत में अधिक आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? सही आंसर है इसमें हमारा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्थान डैश से सम्मिलित है? सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्रक से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? सही आंसर है यहाँ पर हमारा दालें। ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के यूपी बोर्ड के जो पेपर 7 मार्च 2024 को हुआ है। कोड आप चेक कर सकते हैं किस कोड के आंसर से, राइट? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान यूपी बोर्ड।